कोई तलवार सब पे लटकनी है, इसलिए हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है, कई मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी। मेरा आज आपने जिस तरह से पंचायत करी है, आज मौजूद लोग यहाँ सिर्फ आए हैं, हर किसी भी दिन इसी हफ्ते में आप सोमवार का मंगल का टाइम रखो, बुधवार का रखो, बृहस्पति का रखो, हम लोग सारे इकट्ठे हों। अगर हमारे हमारी जमीनों को हमारे मकानों को तोड़ा गया तो भाई हम जिम्मेदार नहीं होंगे, सरकार भी जिम्मेदार होगी, हम सैसे अपने मकानों को नहीं तोड़ने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार वन विभाग द्वारा अरावली की तलहटी में बसे मकानों को तोड़ने के लिए करीब 500 नोटिस वन विभाग द्वारा जारी किए गए हैं, जिनको लेकर शहर में हरकंप मच गया है। इसी विषय में सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला नई अनाज मंडी परिसर में पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत की अध्यक्षता समाज सेवी बुजुर्ग सुभाष भारद्वाज द्वारा की गई। आयोजित पंचायत में हजारों की संख्या में गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। पंचायत में सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश पर वन विभाग सैकड़ों साल से रह रहे लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। इसको लेकर प्रदेश सरकार को अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके उजड़ रहे मकानों को राहत दिलानी चाहिए। सरकार का काम लोगों के आशियाने को बचाना है, न कि उनको उजाड़ना। वन विभाग द्वारा अपनी जमीन का हवाला देते हुए 4 और 5 का नोटिस जारी करने से लोगों में हड़कंप मच गया है। पंचायत में यह भी कहा गया कि सरकार सालों से कहां सो रही थी जो वन विभाग की जमीन पर लोगों को रजिस्ट्री पंजीकृत करने में लगी हुई थी। लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके घरों का निर्माण कराया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद वन विभाग अपनी जमीन को बताते हुए लोगों को नोटिस भेजने का काम कर रहा है। समाज सेवी सतबीर पहलवान ने आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए कहा कि वीरवार को श्री महाराजा अग्रसेन तिकोना पार्क में सुबह 10 बजे एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहां पर हजारों लोग इकट्ठा होकर एसडीएम को ज्ञापन देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, गुरुग्राम लोकसभा के सांसद, विधायक आदि से गुहार लगाते हुए कहा गया कि इस दुख की घड़ी में उजड़ रहे लोगों के साथ कंधे से कंधा लगाकर मदद करनी चाहिए, लेकिन राजनेता पंचायतों में आने से कतरा रहे हैं। पंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि अरावली एरिया में सालों पुराना श्री शिव कुंड स्थापित है, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने व स्नान करने के लिए आते हैं। आयोजित पंचायत में काफी गणमान्य लोगों बोलने से भी कतराते दिखाई दिए। इस अवसर पर पहलवान सतबीर खटाना, मनोज बजरंगी, पूर्व पार्षद राजू नंदा, समाज सेवी रोहतास बेदी, पूर्व पार्षद अनिल कुमार, पूर्व पार्षद कासम खान, पूर्व प्रधान सुभाष बंसल, पूर्व वाइस चेयरमैन पंकज सिंगला, पूर्व प्रधान पप्पू पठान, पूर्व पार्षद लेखराज, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौरव चुग, सरदार अवतार सिंह, संत सिंह, समाज सेवी जवाहरलाल, बल्ले प्रधान, पूर्व पार्षद बालू सैनी के साथ हजारों की संख्या में लोग पंचायत में पहुंचकर उन्होंने अपने विचार रखे थे। पंचायत में हमारे संवाददाता अशोक गर्ग भी मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरी पंचायत को अपने कैमरे में कैद किया। तो आइए चलते हैं संवाददाता अशोक गर्ग के पास। जैसे कोर्ट ने आदेश कर दिया, पूरे NCR में हमें ये चीज चाहिए, कहां कहां फॉरेस्ट एक्ट है, तो ये तलवार सब पे लटकनी है, इसलिए हमें एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है, कई मोर्चों पर लड़नी पड़ेगी। मेरा पर्सनल सुझाव है साथियों पंचायत के माध्यम से, पहला सुझाव मेरा ये है, एक तो हम देखो जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है, आप लोग अपनी जनशक्ति जब तक कट्ठे नहीं लोगे जब तक कोई आपकी सुनने वाला नहीं। और उसके लिए मेरा सुझाव ये है, आज आपने जिस तरह से पंचायत करी है, आज मौजूद लोग यहाँ सिर्फ आए हैं, हर किसी भी दिन इसी हफ्ते में आप सोमवार का मंगल का टाइम रखो, बुधवार का रखो, बृहस्पति का रखो, हम लोग सारे इकट्ठे हों। मेरा सुझाव ये है, अगर हम उस पार्क में इकट्ठे हों, रवि सिंगला जी आपके लॉज के सामने क्या कहें, पार्क हो अग्रसेन पार्क, और वहां से हम पैदल बाजार में कराए और SDM को एक ज्ञापन दे, अगर हमारे हमारी जमीनों को हमारे मकानों को तोड़ा गया तो भाई हम जिम्मेदार नहीं होंगे, सरकार भी जिम्मेदार होगी, हम सैसे अपने मकानों को नहीं तोड़ने देंगे। सरकार को हम एक तरफ से अपनी तरफ से कह सकते हैं, अल्टीमेटम दे सकते हैं। मेरा सुझाव है, आप लोग जैसे पंचायत करा वो अलग है, लेकिन मेरा सुझाव पहला ये है उसके लिए। दूसरा सुझाव हमारा मेरा ये है, साथियों हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, वकील भी हैं, आपकी निशुल्क सेवा करने के लिए तैयार हैं, और भाई ना होगा तो फिर हम सब उभाई देने के लिए भी आप लोगों के लिए तैयार हैं, चाहे हमें कितना से बड़ा वकील करना पड़े, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करनी पड़े,
उसके लिए भी हम जितने भी हम पे सबूत है उन सबूतों के साथ हम कोर्ट में अपनी जरूर पैरवी करें, अपनी बात रखें। अगर हमारे साथ ये अन्याय होने जा रहा, रही जनप्रतिनिधियों की बात, वो साथी कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ऊपर से नहीं आते, जनप्रतिनिधि बिरादर जनता रिपब्लिक बनाती है। अगर उन जनप्रतिनिधि में हिम्मत है तो पंचायत के बीच में आके हमारे साथ के कंधे से कंधा मिला के चले, ना कि ये जनता उठकर उनके दरवाजे पे भीख मांगने जाए। अगर जी हमारे साथ ये अन्याय हो रहा, अरे हमने तुम लोगों को बनाया, हमसे तुम नहीं बने हो, हमारी वोटों से तुम बने हो, हमारे बीच में आओ, हमारी बात सुनो और हमारे साथ चलो कंधे से मिला के, जब हम मानेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि, ये कहां का न्याय है कि हम उनके दरवाजे पे जाकर उनके सामने हाथ फैला भीख मांगे। ये मेरा अपना पर्सनल सुझाव है, तो मैं अनुरोध कर रहा हूँ साथियों, कोर्ट की तरीका की कोर्ट की कमेटी बने, और भाई जहां तक एसडीएम को ज्ञापन देने की बात है आज ही डिसाइड कर ले आप, मंगलवार बुधवार सोमवार इसी हफ्ते में, इसको ज्यादा डिले ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी सरकार इस पर निर्णय लेने वाली है और उसका जो निर्णय ले कर ले। उसके साथ साथ साथियों मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद व्यक्त करूंगा, आप लोग आए इतनी बड़ी तादाद में, आप लोगों ने बात सुनी, और मैं सबसे अनुरोध करूंगा किस तरह से अगर हम लोग एकजुट बना के रखेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम में फूट पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग, अभी भाई ने जिक्र किया था, बहुत से जयचंद है, बहुत से चमचा आएंगे, को कुछ बहकाएगा, को कुछ बहकाएगा, कोई नहीं कहेगा तो कोई सड़के हैं भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार ये कर देगी। आप लोग एकजुट रहना, यहाँ राजनीति करने हम लोग नहीं आए हैं, हम अपने आशियानों को बचाने के लिए आए हैं और आपका तन मन धन से साथ देने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये न्यूज पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एक न्यूज का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।